तो गाइस आप में से बहुत सारे बंदा मुझे कमेंट कर रहे थे कि भाई बेबी 80 पे वीडियो कब लाओगे, बेबी 80 पे वीडियो कब लाओगे, बेबी 80 पे वीडियो कब लाओगे। एंड भाई एक बंदे ने तो सारे के सारे हदें ही पार कर दी। भाई ये बंदा लिख रहा है कि बेबी आंटी को कब लाओगे, मतलब मैं तुम्हें आंटी लाने वाला दिखता हूँ क्या? बताओ गाइस मैं तुम्हें आंटी लाने वाला दिखता हूँ? बता रहे हो बेबी आंटी कहाँ से लाई? भाई एक सेकंड के लिए चौंक गया। मैंने कहा भाई इसको बेबी आंटी कहाँ से लाओ के देऊ, एंड फिर पता चला भाई बंदा लिख रखा है बेबी आंटी पेट। फिर मैंने सोचा भाई ये बंदा बेबी एटी बोल रहा है, बेबी आंटी नहीं। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। तो चलो गाइस आज के इस वाले वीडियो में मैं आप सभी लोग को बताने वाला हूँ कि कहाँ से आप जो बेबी एटी पेट ले सकते हो, एंड किस तरह से आपको जो बेबी एटी मिलेगी, एंड उसके लिए क्या क्या आपको करना पड़ेगा, एंड कौन से स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। तो चलो गाइस अभी वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से एक प्यारा सा सब्सक्राइब कर दो, एंड इस वाली वीडियो पे मैं रखता हूँ 200 लाइक्स का एम, एंड देखते कितने जल्दी आप जो है कंप्लीट करवा पाते हो। तो चलो गाइस अभी फटाफट से वीडियो को शुरू करते है। तो गाइस आपको बेबी एटी ग्राइंड करने के लिए सबसे पहले स्किल्स की जरूरत है, जो कि आपको चाहिए होगा फिशिंग लेवल 24। हाँ गाइस फिशिंग लेवल 24 आपको जो है जरूरत पड़ेगी, क्योंकि गाइस आप सभी लोग को पता है फिशिंग करने से बेबी एटी मिलता है। अभी बोलोगे भाई फिशिंग तो हम दिन भर करते हैं लेकिन हमें बेबी एटी नहीं मिल रही है, तो गाइस उसके लिए एक प्रॉपर आर्मर होता है, प्रॉपर फिशिंग वांड होती है, प्रॉपर पेट होता है, एंड इसके साथ प्रॉपर स्किल्स होते हैं। तो अभी आप में से बहुत सारे बंदों के मन में आ रहा होगा कि भाई हम अभी कहां से ग्राइंड करें इतनी सारी फिशिंग एक्सपी। तो गाइस फिशिंग एक्सपी के लिए आप लगा सकते हो प्यारे से क्ले मिनियंस। तो गाइस आप में से बहुत सारे बंदे कमेंट कर रहे थे मुझे कि भाई आप जो एक क्ले मिनियन क्यों लगा रखे हो। तो गाइस क्ले मिनियन से आप सभी लोग को पता नहीं होगा तो क्ले मिनियन से बढ़ती है तगड़ी वाली फिशिंग एक्सपी। तो आप जो फिशिंग एक्सपी के लिए ये जो यूज कर सकते हो, जो कि बहुत ही बढ़िया एंड फास्टली आपको जो है ग्राइंड करके दे देगा। मैंने लिटरली 2 या फिर 3 दिन ही लगा के रखे एंड मेरी 25 हो चुकी है फिशिंग एक्सपी। एंड गाइस इसके साथ आपको लगेगा एक प्यारा सा शार्क आर्मर, जो कि मैंने पहले ही बता रखा है यहाँ पे देखो, एंड सबमर्ज्ड। सबमर्ज्ड रिफोर्ज आप सभी लोगों को पता है कहीं पर भी नहीं मिलती, आपको जो फिशिंग करना पड़ता है। फिशिंग करने से आपको जो है कुछ इस तरह का स्टोन आपको देखने को मिलेगा, जो कि आप जो है रिफोर्ज स्टोन कह सकते हो, एंड इसे आर्मर पे रिफोर्ज कर सकते हो, एंड मैंने इसे रिकॉम कर रखा है इसी के साथ, एंड आप देख सकते हो। तो गाइस इसी के साथ आपको लगेगी एक वांड, जो कि मैं आपको दिखाता हूं एक सेकंड, ये देखो आपको लगेंगी रॉड ऑफ सी। तो आप सभी लोग बोलोगे अभी भाई ये रॉड ऑफ सी कहाँ से बनेगी? तो गाइस रॉड ऑफ सी के लिए आपको रॉड ऑफ लेजेंड्स बनानी होती है, रॉड ऑफ लेजेंड्स बनाने के बाद रॉड ऑफ सी बना सकते हो। इसकी रेसिपी आप जो है गूगल पे सर्च करोगे तो आपको जो है देखने को मिल जाती है। तो गाइस इसके साथ इसी के साथ आपको लगेगा एक पेट, जो कि आप देख सकते हो मैं यूज कर रहा हूँ फ्लाइंग फिश। अगर आपके पास फ्लाइंग फिश नहीं है तो ये आप जो ये यूज कर सकते हो। भाई इसका क्या है, रिडीर पता नहीं कुछ है, रेंडीर कुछ है भाई इसका नाम, कुछ अलग ही नाम है, क्या ही बताएं अभी। तो चलो गाइस आपको जो इन सारे आइटम्स को लेके आपको चले जाना है फिशिंग करने। लेकिन अभी बोलोगे भाई हम दिन भर फिशिंग करते ही रहते हैं लेकिन बेबी एटी नहीं मिलती। तो गाइस बेबी एटी के लिए एक प्रॉपर टाइमिंग होता है, जो कि आता है इसके अंदर, क्या बोलते हैं, स्नो इवेंट के अंदर, जो कि जेरी वर्कशॉप बोलते हैं, स्नो इवेंट नहीं, जेरी वर्कशॉप जब भी होता ओपन होता है तो आपको जो है जेरी वर्कशॉप के अंदर जाना होता है। वर्कशॉप के अंदर जाने के बाद आपको वहां पे पोल्स एंड बहुत सारी सीस वगैरह नजर आ जाएगी। तो वहां पे जाके आपको जो है लगभग 1 से 2 घंटे तक मेहनत करने के बाद आपको 2 या फिर 1 बेबी एटी ड्रॉप हो जाती है। अगर 2 हो जाती है तो एक आप जो है 100 मिलियन में ऑक्शन में बेच सकते हो 11-1 का। अगर लेवल्स ज्यादा है तो आप जो है ज्यादा प्राइस में बेच सकते हो, जैसे कि अभी चल रहे 200 एम, यानी कि भाई 200 मिलियन अभी एक पेट का बिक रहा है, तो आप जो है लगा सकते हो 200 मिलियन में पेट, जो कि कुछ ज्यादा ही प्रॉफिटेबल है, टाइम भी कम जाता है एंड प्रॉफिट भी ज्यादा मिलता है। तो चलो गाइस आप सभी लोग को पता चल गया होगा कि किस तरह से आपको जो है बेबी एटी मिल सकता है। एंड गाइस बेबी एटी के अंदर आपको बस 2 ही मिलेंगे, एक मिलेगा आपको एपिक या फिर एक मिलेगा आपको लेजेंडरी, दोनों में से आपको एक मिल जाएगा, लेकिन दोनों हाईएस्ट प्राइस है, कुछ ज्यादा है लेकिन कोई ना गाइस, आप जो है ग्राइंड करके इसे आसानी से ले सकते हो। तो चलो गाइस आज के इस वाले वीडियो में इतना ही, आई होप आप सभी लोग को ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपना एक प्यारा सा गेम अटैक एंड एक प्यारा सा नाम कमेंट कर देना। तो मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।